नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी गैर जरूरी दफ्तर और सेवाएं बंद की गई हैं। 31 मार्च तक ये सभी दफ्तर बंद किए जाएंगे। केवल जरूरी पब्लिक डीलिंग वाली गतिविधियां ही चालू रहेंगी। गैर जरूरी कैटेगरी में आने वाले सभी स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहा गया। इस दौरान सभी परमानेंट और ठेका कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 55 से ऊपर है और वो जरूरी सेवा वाली कैटेगरी में आ रहा हो तो वो घर से काम ही कर सकता है। तो दिल्ली सरकार एक के बाद एक कड़े एक्शन लेती हुई यहां पर साफ तौर से नजर आ रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। अब सभी गैर जरूरी दफ्तर को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। 31 मार्च तक केवल जरूरी पब्लिक डीलिंग वाली सेवाएं जो है वही खुली रहेंगी। बाकी सबको बंद करने का आदेश दिल्ली सरकार ने यहां पर जारी कर दिया गया है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए राज्य सरकारें एक के बाद एक कड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार आज लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। पहले यह फैसला लिया गया था कि दिल्ली में जितने भी शॉपिंग मॉल हैं वो सभी 31 मार्च तक बंद रहेंगे, लेकिन साथ में सरकार ने यह भी कहा है कि इस मॉल के अंदर जो जरूरी दुकानें हैं, जैसे दवा की दुकान है, राशन की दुकान है, सब्जी की दुकान है, ये खुली रहेंगी ताकि लोगों को उनकी जरूरत का सामान मिलता रहे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने साथ में यह भी कह दिया है कि जो गैर जरूरी कैटेगरी में आने वाले सभी स्टाफ हैं वो घर से ही काम करेंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता वरुण का। वरुण, क्या कुछ कहा है दिल्ली सरकार ने? देखिए, पहला जो आज सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर घोषणा की गई है उसमें यह है कि जो 55 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं जो दिल्ली सरकार में काम करते हैं उनको कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। इसके अलावा जो गैर जरूरी सेवाएं हैं, जो लगातार इस प्रकार की सेवाएं हैं जो अगर ना भी हों, अगर एक दो दिन या हफ्ते भर, तो कोई बहुत ज्यादा उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो गवर्नमेंट सेक्टर में इस प्रकार की सेवाएं, मान लीजिए लाइसेंस विभाग है या कुछ ऐसी सेवाएं जहां पर अगर एक हफ्ता हम लोग बंद कर दें तो बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि बहुत ही जरूरी सेवाओं को अगले सुचारू रूप से कुछ दिनों के लिए चालू रखा जाए, गैर जरूरी सेवाओं को कुछ दिनों के लिए थाम लिया जाए और 31 मार्च तक उन पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा जो बाहर से लोग आते हैं दिल्ली सरकार में रोजाना सचिवालय के अंदर अपने काम कराने, उनको लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं। उनको भी कहा गया है कि कुछ दिनों के लिए सचिवालय में आप लोग ना आए। इसके अलावा 23 तारीख से बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सीधे तौर पर कहा गया है कि जो लोग भी कर्मचारी बजट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं केवल वही विधानसभा के अंदर आए, बाकी लोग ना आए। तो कुछ गाइडलाइंस है वो लगातार ये समझाने के लिए काफी हैं दिल्ली सरकार की तरफ से कि सरकार ये चाहती है कि ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो। और जो कल गाइडलाइंस तय की गई थी कि 20 से ज्यादा लोग एक जगह ना आए, शायद उसी गाइडलाइंस के तहत अब सरकार लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये कि 55 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, जो सरकार में कार्यरत हैं, जो डेली ऑफिस आते थे, उनको साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभी आप फिलहाल ऑफिस ना आइए, वर्क फ्रॉम होम करिए और जब जरूरत होगी, जब हालात समान होंगे तो हम आपको बता देंगे। जी, और वरुण, एक के बाद एक सरकार हम देख रहे हैं कि फैसले यहां पर ले रही है। पहले शॉपिंग मॉल को बंद करने का आदेश दिया गया था, अब ये बता दिया गया है कि जो गैर जरूरी सेवाएं हैं, तो एक साथ फैसले नहीं आ रहे हैं, टुकड़ों में फैसले आ रहे हैं। पहले शॉपिंग मॉल का आया, अब गैर जरूरी सेवाएं, इसके बाद और क्या क्या फैसले आ सकते हैं? किस तरह से ये बैठकें चल रही हैं सरकार की? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हर 12 घंटे में मुख्यमंत्री रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। इसके अलावा कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी संबंधित विभाग के मंत्री हैं या फिर अधिकारी हैं उनके साथ लगातार फोन के जरिए अलग अलग रणनीति के तहत काम जो दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारियों के तहत क्या नीति अब तक पहुंची है, क्या कार्य प्रणाली पहुंची है, उस पर लगातार चर्चा की जा रही है और उसी के हिसाब से हर 3 घंटे के अंतराल में इस प्रकार के आपको फैसले आते हुए नजर आ रहे होंगे। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री खुद इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर जो अब तक फैसले लिए जा चुके हैं उनमें किस तरीके से काम चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर से लगातार फोन पे बातचीत करी है। सुबह 11 बजे करीब सचिवालय में एक अहम बैठक थी, जिसके बाद 1 बजे करीब इस प्रकार के फैसले आने शुरू हो गए। तो सीधे तौर पर कहा जाए,
जो भी अस्पताल से जुड़ी सेवाएं हैं या फिर पब्लिक डीलिंग से जुड़ी सेवाएं हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सेवाएं हैं, उन पर किस तरीके से ज़्यादा लोगों को कम वहां पर भीड़ इकट्ठी हो और कैसे ये तय किया जाए कि वहां पर पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो पाए, इसके लिए रणनीति लगातार बनाती सरकार। साफ तौर से वरुण कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो है एक के बाद एक कड़े एक्शन ले रही है।